हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे। अब तो खैर रमज़ान ख़त्म है। खैर, ये मैं अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए गए थे। हसन और मैं दोनों गए थे, बच्चे घर पर ही थे दोनों, क्योंकि मार्केटों में रश बहुत होता है। बच्चों को ले जाना तो फजूल है, क्योंकि वो लोग शॉपिंग करने नहीं देते और घुसते हैं इधर से उधर चीज़ों के अंदर। मैंने यहाँ पर ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं बनाया था, एक तो कैमरा जैसे ऑन करो तो सब ऐसा देखना शुरू कर देते हैं जैसे हम खास तौर पर उन्हीं की वीडियो बना रहे हैं या कुछ, तो इसलिए बस मैंने थोड़े थोड़े से बनाया था और रश भी बहुत था इसलिए मैंने और नहीं बनाया था। यहाँ पर मैंने अपनी बच्चों की, हसन ने तो अपने घर पहले ही बनवा लिए थे, और अम्मी के कपड़े लिए हम लोगों ने। और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मार्केट में क्या लें क्या नहीं लें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ। एक तो महंगाई इतनी हो गई है, एक एक ड्रेस इतना महंगा हो गया है। खैर, लेना तो था तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके कपड़े ले लिए थे। बच्चों के मुझे थोड़े लाइट ले देखने थे, इतने भरे हुए नहीं देखने थे, क्योंकि गर्मी हो गई है अब तो बच्चे घबराते हैं, पहनते भी नहीं है फिर और यूज़ में भी नहीं आते इतने भरे हुए कपड़े। मैंने अपने लिए भी नॉर्मल ड्रेस, नॉर्मल नहीं अच्छा, बस यहाँ पर आसान और मैं दोनों थक हार के बैठ गए थे। और ये आप यकीन नहीं करोगे, 3:30-4 बजे का टाइम है और यहाँ पर मार्केट में रश देखो किस कदर रश हो रहा है। लेकिन ईद की रौनक तो यही होती है, रमज़ान में यही मज़ा आता है कि मार्केटों में रश होता है। बस फिर हम लोग घर आ गए थे सैरी वैरी करके आसान, और मैं हम लोग ने भारी सारी करी थी क्योंकि टाइम इतना हो गया था। फिर उसके बाद ये अम्मी और मैं चाँद देखने के लिए बैठ गए थे दोनों, कि देखते हैं चाँद हुआ या नहीं हुआ। खैर, कभी हो रहा था, हो गया नहीं हुआ। फिर मैं मार्केट चली गई थी, जब पता चला चाँद नहीं हुआ मैं मार्केट चली गई थी अज्जुआ के साथ। जब मैं मार्केट चले गया अज्जुआ के साथ, तो फिर उसके बाद वहाँ पर सारे शॉप वालों ने बोला चाँद हो गया। फिर बस मैंने अपना खूसा लिया, स्कार्फ लिया और मैं घर आ गई थी। मैं तो अपनी चाय निकालूँ जब तक होता है या नहीं होता, मैं तो अपनी चाय निकालूँ। मेरी चाय बन गई, किचन विचन में सब वैसे फैला हुआ। मैं जल्दी से नमाज पढ़ी, मैं क्या पहले चांद देखी चांद हुआ या नहीं हुआ, ये भी तो होना चाहिए, तैयारी करिए। तो पहले वाली एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन अब जो पहले होती थी। अभी मुझे पार्लर भी जाना है, अपना फेशियल करवाना है, आईब्रोज बनवाने हैं, फेशियल। अच्छा, हमारे ना यहाँ से नज़र आता है चाँद, थोड़ा बड़ा होता है तो नज़र आता है, आज का पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमारे यहाँ से नज़र आता है ऊपर से। नमाज ही नमाज पढ़ के निकल रहे हैं सारे, और ये चाँद का इंतज़ार जो कि आएगा नहीं अभी, नज़र अभी आएगा नहीं, थोड़ी देर में ही आएगा। कब तक आता है मेरा मेरा मुंह इतना बड़ा क्यों आ रहा है? मैंने करीब का करा था, मैं ये बोलूँ मेरा मुंह इतना बड़ा नजर क्यों आ रहा है? चलो यार, चांद का इंतजार करते हैं। नजर आ गया, आओ बच्चों, चांद नजर आ गया। कराची से चांद नजर आने की शहादत है। 6:52 हुआ था और उसके बाद बताया गया था, फिर उसके बाद पता चलेगा कि चांद है या नहीं, कल ईद है या नहीं है। कल ईद है, कल ईद है, मुझे बहुत सारा काम करना है। ये एक आसरा होता है, चलो एक रोज़ा और हो जाएगा तो हम कर लेंगे दोबारा जो बाकी का काम बचा हुआ है। तो बाकी तो मैंने सब करवा लिया है, ज़्यादा से अपना सारा काम करवा लिया, घर भर सब संटवा लिया। अभी बस मुझे किचन से मेटना है, बर्तन वगैरह धो के रखना है उतार के वो, और मुझे अभी ऊपर जाना है, पार्लर जाना है मुझे अपना सारा करवाने के लिए। सबसे ज़्यादा मुझे इसकी टेंशन है, इसमें बड़ा रश होता है, करवाने के लिए जाना है। फिर उसके बाद मैं मार्केट भी जाऊँ शायद, मार्केटों में तो बहुत रश है। कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी, मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बनाया, इतना रश था
इतनी धक्कम पे चांद मुबारक को आपने किया दा दा को चांद मुबारक चांद मुबारक हां मम्मी कह रहे हैं चांद मुबारक चलो चांद खुश रहो मेरे खाने में जा मैं और अजय मार्केट गए हुए थे हमने कहा चांद नहीं हुआ है तो चलो हम मार्केट चलते हैं हमने थोड़ा सामान लेकर आ जाते मैं अभी अभी मार्केट से आई हूँ भागी जैसे ही चांद हुआ वहाँ पर दुकानदारों ने बोला चांद हो गया मैं ऐसा भागी मैंने कहा चलो वही घर चलो मुझे अपना काम करवाने जाना है और घर का काम भी करना है मैं और अजय फ़ौरन भागे मैं अपना बस अभी स्कार्फ लेकर आई हूँ और खुसा लेकर आई हूँ फ़ौरन भागे हम दोनों मार्केट के लिए अजय के साथ गई थी मार्केट